पैक हो गया और अब वक्त हुआ चाहता है कि हम वो जो रस्म है, ये मुझसे बात कर रहा है क्या? बात कर रहा है क्या मुझसे? ये कुछ कहना चाह रहे हो क्या? बात कर रहे हो हैं? इधर बात सुनो, ए बात तो सुनो, ए क्या हुआ? बात सुनो, ए बात तो सुनो, क्या प्रॉब्लम क्या है? ए तबीयत ठीक है? क्या हुआ? लड़ क्यों रहे हो हैं? मुझसे पंगा लेते हो? मुझसे जो पंगा लेते हैं ना, मैं उनके अड्डों में पहुंच जाती हूँ, तुम जानते नहीं हो। ऊटनी से भी पंगा लूंगी मैं, हद होती है। अच्छा मेरी बात सुने, अब बैठा रहो, बैठा रहो भैया, बैठा रहो। अच्छा वक्त हुआ चाहता है कि अब हम रसम की तरफ रवा दवा हो और रसम जो है वो शुरू होने को है। तो जी रसम शुरू करें। जी अभी आपने भाभी जी, हाँ जी मुझे अब आपने वो वाली भाभी के ना, भाभी ही कही, आपने इनका हाथ पकड़ कर और आगे यहाँ पे थाली पे लेकर आना है, और ये लड़की इसका भी आपने हाथ पकड़ के उसकी गांठ पे रख देना है। बस वो गांठ ये खोलेंगी और इसकी गांठें ये खोलेगा। क्या बात है, सारी जिंदगी यही काम करेंगे फिर? नहीं नहीं, फिर घर में हांडी पकाएंगे, खाना पकाएंगे, इनके बच्चे होंगे, उनकी शादी करेंगे, कोई गांठें तो नहीं खोलते। आजा जी शुरू करें। अच्छा ओके, ये हमने एक मिनट के अंदर जो है गांठ की रस्म करनी है। अभी ये दोस्त आ गए हैं, आओ अभी स्टेज पे बड़ा झगड़ा होता है फिजा जी, स्टेज पे बड़ा झगड़ा होता है। अरे एक सेकंड, लाइव जा रहे हैं भाई साहब, मेरा बैठ जाओ, गाने की रस्म होने दो, थारी सुलह होगी, गाने की भी रस्म होने दो। रस्म क्या आप लोग लोग हैं, लड़े झगड़े ऊपर बैठ के सब कुछ है? इतना ही होता बेटा हमारे में है, मैं पाल दिया माने में रह गया, क्या मैं रोकया माने पाल दिया, लड़ रहे नहीं तो आप पहले उठ जाते, मैं वहाँ से वहाँ भाग भाग के वो लड़ रहे थे बेटा, तो हमने उससे पाल दिया। नासीनो हाजिर, ये होता है बड़ों का अदब। वैसे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यहाँ पे कोई ऐसी, कोई ऐसे लग रहा था ना जैसे सच्ची मुच्ची की झड़प हो गई है। ये तो सच्ची मुच्ची की तो हुई है, मैं तो अजीब, बच्चे की नाराजगी चल रही थी, बच्चे की नाराजगी। देखे भाई माशाल्लाह, जो भी है दूल्हा आज उनका जो भी ख्वाहिश है वो पूरी करे। ना तो बन चाय पियाई, ना बन रोटी खुआई, अभी अभी पकवान जो अभी हमने बिरयानी पकवाई है ना आपकी सारी, जो बिरयानी चाह, बिरयानी चाह बिल्कुल। आप सुने ना, वो दूल्हे से खफा है कि उन्होंने इनके लिए कुछ नहीं किया, ये इन्होंने इस दोस्तों को इनवाइट नहीं किया, इसलिए वो लड़ रहे थे। ओए होए, नहीं नहीं ना लड़े, आप हमारे शो पे इतने लोग नहीं आ सकते, थोड़ा सा मसला है। मगर अब ये है कि बस आप ये सीख ले इस चीज से कि अगर लड़ाई हो रही है तो बड़ों का कितना एहतराम है, कि इतना बड़ा झगड़ा भी हो गया उसके बावजूद जो बड़े खड़े हुए तो बड़े के एहतराम में जो है सारे के सारे बैठ गए। हमें भी इस चीज से सबक हासिल करना चाहिए। दोनों बड़े ना होते ना आज यहाँ पे तो बहुत लड़ाई हो जाती, तो बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता। ये दो आए हुए ना बड़े, तो बस दोनों की वजह से झगड़ा खत्म हो गया। ये कहते हैं बेटा तू ना की सेवा कर, रोटी खा बांधना, पानी पिया बांधना, कोई मस्जिद पिया, कोई दूध पिया बांधना। मेरा बहुत बुरा हाल हुआ, मेरे समझ नहीं आ रहा था, मैं ऊंट से पंगा ले रही थी, आप लोगों ने तो आपस में पंगा ले लिया। गाने पे पहुंचे थैंक यू जी। और इनका भी मुझे तो ये आपने ऐसे झगड़ा होता है तो ठीक है, और सुला भी एक सेकंड में बिस्मिल्लाह भाई जी, गाय की सांस ही गिरा लगाई है।
आसान सिंगरा लगाई। ये गाँट की रस्म अब एक एक करके खुल रही है माशाल्लाह। बोले कि जिंदगी में आसानियां रहेंगी। क्या बात है। हाँ जी, तो हम आपको इसी में गाते जाते हैं साथ, वो जो गाए आप मेरी घूमर से, और साथ में कोई मटके के साथ जो है लड़की वालों की तरफ से और लड़के वालों की तरफ से और लड़की डांस मैं और अभी भी ये दोनों ड्यूट में गाएंगे, क्योंकि लड़के की तरफ से ये गाएंगे लड़की की तरफ। आ जाए मारी घूमर से जिस जाइए तो राजस्थानी पगड़ी सजाइए जा, मैं तो राजस्थानी पगड़ी सजाइए जा, पगड़ी आ बांध के मैं आशा ए सजनी, पगड़ी आ बांध के मैं आशा। जोधपुरी घगरो शहरा तू मेरी जान, तने जोधपुरी घगरो शहरा तू मेरी जान, घगरो बो बांध के फेर आई ए सजनी, घगरो तू बांध के फेर आई। राजस्थानी कड़ियो करा दूं वे मैं, तने राजस्थानी कड़ियो करा दूं वे मैं, कड़ियो वो पैर के फेर आ जा ए सजनी, कड़ियो उछाल। अच्छा, ये जो भी चूमेगा ना हाँ, वो जिंदगी में जीता हुआ रहेगा, जैसे मैंने चूमा था, मैं जीत गई थी। अब ये कौन चूमेगा अभी हाँ, पता नहीं कौन चूमेगा। अच्छा, वैसे सबकी लालच चोरी है कि हम चूमे, एक काम करते छीन लेते। सब नहीं, और ये जो अंगूठी लगी हुई है ना इनमें, ये भी गोल्ड की है। अच्छा, ठीक है ना, इन्होंने भी गोल्ड पहना है, इन्होंने भी गोल्ड, ठीक है। तो ये जो जीतेगा वो दोनों उसी की, मतलब इन दोनों में लड़ाई होनी है। हाँ, लो हम आपस में लड़ने की बात कर रहे हैं, होगी ये दोनों गोल्ड में, मसलन जो एक जीतेगा ना उसके पास दोनों चली जाएगी, वो इसे नहीं देगा ये उसे नहीं देगा, ठीक है, और जिंदगी भर तक फिर ठीक है जीता हुआ तो देगा। इन्होंने जैसे मैंने थोड़ा सा पीछे हो गई, पल्ला उसका भारी हो गया ताकि सब देख सके, गई थी मैंने अभी तक वही पहनी हुई है, ठीक है भाई। चलिए अब आप दोनों जो है ना होशियार हो जाए, दूल्हा दुल्हन दोनों होशियार हो जाए।
थोड़ा सा पीछा किया, आपने कुछ ऐसे तरीके से फेंकना है ताकि इनके दोनों के ना हाथ आए ताकि वो रस्म देख सके। वहाँ पे लड़ाई होनी चाहिए, वहाँ पे लड़ाई होनी चाहिए। ठीक है जी, देखे जी ऊपर ही करके फेंकेंगे। नहीं नहीं थोड़ा सा चिढ़ाए आप इनको, इनका छेड़े छेड़े कैसे छेड़े, छेड़ो इनको आप, इनकी भाभी है, छेड़े इनको, छेड़ दें, चिगा दें इनको, ये बहुत दिल ललचा दें। ये मुर्गों की तरह लड़ रहे हैं, देखिए मुर्गों की तरह लड़ रहे हैं, हाथ है हाथ होती है। लड़की जीत गई, लड़की चलो जी वक्त हुआ चाहता है कि हम ब्रेक पे जाएं, मगर ब्रेक के लिए हम सारे मिलके कहेंगे जाओ जल्दी आओ, ठीक है? मैं 1 2 3 कहूंगी, सारे मिलके बोलेंगे नगमाला जी, सारे मिलके 1 2 3 जाओ जल्दी आओ।